अस्सलाम वालेकुम। कच्चे आम से तो हम ज़्यादातर अचार बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ कच्चे आम की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। इसका नाम है मुरब्बा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो शुरू करते हैं, ये मज़ेदार सा मुरब्बा कैसे बनाया जाता है। 2 किलो कच्चे आम, इसको मैंने अच्छी तरह धो ली है, इसका छिलका उतार लेंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे आम का छिलका उतार लिया। ये ऊपर की गरी है ना, वो निकाल लेंगे। इतने इतने बड़े पीस कर लेंगे। सारे आम की करी उतार लिए, इसे बॉईल कर लेंगे। 2 गिलास पानी चूल्हे को ऑन कर लेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, आम की गिरियां डाल लेंगे। आम की गिरियों को बॉयल कर लेना, इसे फुल उबालना नहीं। आम की गिरियां बॉयल हो चुके हैं, ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए बॉयल हो चुके हैं, चूल्हे को बंद कर देंगे। इसे बाहर निकाल लेंगे। इसे 5 मिनट तक ठंडा कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आधा किलो चीनी डाल लेंगे। एक घंटे के लिए कवर कर देंगे। 1 घंटा हो चुका है, चेक कर लेंगे। चीनी हमारी मिक्स हो चुके हैं। इसे पका लेंगे। कढ़ाई में डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह पका लेंगे, चाशनी को गाढ़ा कर लेंगे। दालचीनी डाल लेंगे। चाशनी हमारी पक चुकी है, इसे चेक कर लेंगे। कच्चे आम का मुरब्बा हमारा बन के तैयार हो चुका है, चूल्हे को बंद कर देंगे।
इसे कटोरे में डाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुरब्बा हमारा बहुत ही अच्छा बना है। हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा, खुदा हाफिज़।